इंजीनियरिंग के इन ट्रेंड के पीछे मत भागो क्योंकि ये ट्रेंड जो है फ्यूचर में एंड होने वाले गाइस ये चीजों के बारे में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी चीजें समझ में आ जाएगी और गाइस ऐसे बहुत सारी वीडियो आने वाले जिससे बहुत ज्यादा आपका हेल्प होगा तो अपना प्यार एंड सपोर्ट चैनल को दिखाओ और सब्सक्राइब करके रख दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो गाइस तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इस समय के जो बच्चे होंगे उनको ये चीजें पता होगी कि इस समय सी एस एंड आई टी का ट्रेंड चल रहा है अगर सी एस एंड आई टी उनको नहीं मिला तो उनको ऐसा लग रहा है यार फ्यूचर में अपना कुछ भी नहीं होने वाला अपनी नैया डूब जाएगी ऐसा लग रहा है ऐसा सब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है और जब मैं था तो मेरे टाइम मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे टाइम मैक का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसको नहीं मिला फ्यूचर में उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें चल रही थी गाइस जैसे आप सभी को पता है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सो so गाइस मैं अगर एक रिपोर्ट के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे कि पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था फिर अभी सी एस एन आई टी का चल रहा था इन so इस समय ज्यादातर बच्चे अगर उनको कैसा भी कॉलेज मिल रहा है कैसा भी कॉलेज मिल रहा है वो चाह रहे कि सीएसएन आई टी उनको मिले और कैसे भी कॉलेज को मतलब वो कैसे की भी कॉलेज में एडजस्ट हो जाएंगे बस सी एस एन आई टी मिल जाए तो उनका फ्यूचर आगे सेटल हो जाएगा सो so, ऐसे करके अगर कर देखा जाए फ्यूचर में बहुत सारे सी एस एन आई टी के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स निकलने वाले बहुत सारे और धीरे धीरे आप देखोगे क्योंकि ट्रेंड इस समय सी एस एंड आई का चल रहा है तो धीरे धीरे मैकेनिकल हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया देन उसके बाद ई एच टी सी हो गया इन सिविल हो गया इन सभी डिपार्टमेंट से निकलने वाले इंजीनियर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे आप सभी को बताना चाहूंगा सच बात है धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आने वाला है कि सी एस एंड आई के इंजीनियर्स मार्केट में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं हाँ ये बात सही है फ्यूचर्स ये एन आई टी का है ये बात सही है एकदम परफेक्ट है इसको कोई रोक एंड टोक नहीं सकता बट गाइज फ्यूचर है बट फ्यूचर में उसके बहुत सारे इंजीनियर्स भी तो है ना फ्यूचर में फ्यूचर में मार्केट उसका बहुत बड़ा है पर ये सोच के चलो इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं और इतनी मैच्योरिटी आप सभी को खुद ही रहेगा कि अगर फ्यूचर उन चीजों का पर फ्यूचर में इन सभी के इंजीनियर्स भी बहुत रहेंगे मार्केट में बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एच e सिविल इसके इंजीनियर्स बहुत कम हो जाएंगे अगर आप देखना चाहोगे कि आप अगर कॉलेजेस की बात करोगे तो कॉलेजेस आज ये सोच रहा है कि यार सी एस के अगर हम अगर आपने सीट्स बढ़ा दें तो यार पैसा ही पैसा है पैसा ही पैसा आएगा क्योंकि सी एस एन में लोग एडमिशन ज्यादा लेना चाहते हैं सिक्सटी की जगह टू हंड्रेड सीट होता ना तो यार कितना मजा आता है सीएसएन आई टी के बारे में और मैक एंड सिविल का जो डिमांड मतलब जो सीट्स कम हो रहा है ना बच्चे उसमें एडमिशन ही ले रहे इसीलिए इसको कट ऑफ गिरता जा रहा है और फ्यूचर में आप जाके देखोगे की मैक और मैकेनिकल मतलब सीएस मैकेनिकल आय मैकेनिकल हो गया देन इसका सिविल हो गया देन इलेक्ट्रॉनिक हो गया ये सभी के जो बच्चे जो इंजीनियर्स होंगे बहुत कम मार्केट में रहेंगे और अगर मार्केट में ये कम है तो सिंपल सी बात है उनका डिमांड अपने आप बढ़ने वाला ही हाँ एक चीज हमेशा का इस बोलूंगा कि जो कोर्सेज होते हैं कोर्सेज हर साल अपडेट होता है जैसे आप सभी को बताना चाहूंगा कि पहले डीजल एंड पेट्रोल पे चलने वाले व्हीकल्स होते थे बट ईवी पे अब ईवी का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है और फ्यूचर भी इसी का है तो हर कोर्सेज अपडेट होंगे उन कोर्सेज को अगर आप वो कोर्सेज में हो जैसे मैकेनिकल में हो तो जो मैकेनिकल के कोर्सेज हैं उनको भी अपडेट किया जा रहा है तो अपडेट किए कोर्सेज को वो चीजें हमें सीखनी चाहिए जिसके यार फ्यूचर में हमारा डिमांड ही बना ही रहेगा तो गाइज मैं ये आपको बताना चाहता हूं अगर आप सीएसएन आई टी में भी हो तो सी एस एन आई टी में भी रहो तो नॉलेज सबसे ज्यादा इकट्ठा करके रखो ये मत बिल्कुल सोचो कि सीएसएन आई टी अगर मैंने ले लिया तो फ्यूचर मेरा ब्राइट है ऐसा कुछ भी नहीं है सीएसएन आई टी के फ्यूचर में बहुत सारे इंजीनियर्स निकलने वाले इसीलिए आपने एक्स्ट्रा नॉलेज क्या आपने एक्स्ट्रा नॉलेज क्या इकट्ठा करके रखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है इसीलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करने वाली जो ट्रेंड है वो कुछ सालों के बाद हर साल चेंज हो जाता है 26, 27 के बाद आप देखोगे ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा फिर से कुछ नया ट्रेंड आएगा तो ये ट्रेंड हर सब जो पिछले जो हमारे टाइम के इंजीनियर्स बने उनको सबको पता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ट्रेंड चेंज होता रहता है हमें अपने अंदर जो जिस भी जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर हो उसमें नॉलेज ऐसा गेन करके रखो कि ट्रेंड कुछ भी चेंज हो पर आपका डिमांड बना रहे आपका खुद का डिमांड बना रहे भले मार्केट का डिमांड कम हो पर आपका डिमांड बना रहे क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज है उसी पे आपका डिमांड बनता है गाइस तो आप सीएस में 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 हो IT हो में हो में हो मैक किसी सिविल पर ऐसा मतलब कुछ अलग ही रिसर्च करो कुछ चीजें सोचो क्योंकि आप जिस लाइन में जा रहे हो इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो उस तरह की चीजें सोचो उस तरह का माइंड रखो और नई नई हार्डवर्क जम के करो क्योंकि गाइस ये चार साल ना यह चार साल आपका फ्यूचर है तो आपको समझा रहा हूं अगर आपको सीएसएनआईटी मिल रहा तो ठीक है नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप करके बहुत अच्छा कर सकते हैं और सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है बस नॉलेज थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद दोस्तों